एवरीवन, दिस इज विरेन। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, रिसेंटली मैंने TCS NQT का एग्ज़ाम दिया और मैं उसके इंटरव्यू के लिए भी सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो एक्चुअली ये जो वीडियो है वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो क्वेश्चंस मुझे पुटअप किए गए एंड हाउ आई आंसर देम। सो इस पूरी वीडियो में मैंने उसके बारे में बात करूँगा। तो अगर आप TCS का या फिर किसी भी कंपनी का या कहीं भी प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अक्सर रहता है कि यार वहाँ पे क्या पूछा जाता है, या फिर कैसा टेक्निकल राउंड होता है, या फिर कैसा HR राउंड होता है, एंड क्या प्रोसेस होता है। तो आज की वीडियो में हम पूरी उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले क्या था कि मैंने TCS NQT का एग्ज़ाम दिया, जो अब TCS एग्ज़ाम कराने लगी है। TCS मेनली कोडविटा एक कॉम्पिटिशन सा होता है, जो कोडविटा का एग्ज़ाम होता है, जिसमें वो आपको 5 वो देती है, प्रोग्राम्स देती है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। देन उसके बाद वो TCS एक NQT का एग्ज़ाम देती है, जो मेनली प्लेसमेंट का उसका सेकंड दूसरा तरीका है। तो जो NQT का एग्ज़ाम है वो मेनली अगर देखा जाए तो 2 पोर्शन में। तो पहले में क्या है कि वो आपसे जो रिटन टेस्ट लेती है, जिसमें एक टेक्निकल राउंड कह सकते हो, जिसमें वो आपसे एप्टीट्यूड होते हैं जो 35 मिनट्स का होता है। उसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 35 to 40 मिनट्स में करने होते हैं। देन उसके बाद जो सेकेंड आपका स्टेज होता है, या जो आपका सेकेंड राउंड होता है, वो आपका एक कम्युनिकेशन राउंड होता है, जिसमें आपके वही मीनिंग्स एंड अपोजिट वर्ड्स और आपके अनसीन पैसेजेस और जितने भी है, उसमें आपकी बेसिकली रीडिंग स्किल्स को देखा जाता है और आपकी इंग्लिश को देखा जाता है। देन थर्ड आपका लॉजिकल होता है। थर्ड राउंड जो होता है आपका एक लॉजिकल होता है, जिसमें वो लोग आपके लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटी को देखते हैं, एंड देन उनका एक सूडो राउंड होता है। तो बेसिकली ये 4 जो राउंड होते हैं, उनके जो आपके इंपॉर्टेंट राउंड्स होते हैं। तो सूडो राउंड्स में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको आउटपुट्स फाइंड करना, और कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके सी से होते हैं, जावा से होते हैं, पाइथन से होते हैं, और भी डाटा स्ट्रक्चर से होते हैं। देन जब आप ये राउंड कंप्लीट करते हैं, देन इसके बाद आपका एक कोडिंग राउंड होता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, और उन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का वक्त होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में, सी 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 प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, तो आप उसको में कोड कर सकते हो। और मेनली अगर आपका एक क्वेश्चन भी अच्छे से एक्सेप्ट हो रहा है और आपने उसको कर दिया, सॉल्व कर दिया है, देन आप आगे सेलेक्ट होते हो। तो ये आपका पूरा रिटर्न वर्क होता है। फिर उसके 2 हफ्ते बाद आपको मेल आता है, या मतलब 1.5 से 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। उसके बाद आपको मेल आता है कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। देन जो वो प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं, 2 जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, एक निंजा होती है, एक डिजिटल होती है। सो मेनली अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, तो डिजिटल उन लोगों को ऑफर दिया जाता है जिनके कोडिंग राउंड में अच्छे खासे उनका एक एटलीस्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद क्या है कि अगर आपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने फाइनल ईयर में, या फिर अपने इंजीनियरिंग में ML से किया हो, मशीन लर्निंग या AI वगैरह से अगर आपने किया होता है, और आप CSIT के ब्रांच के हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं आप डिजिटल जो प्रोफाइल होती है उसको ग्रैब कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो आपके पास निंजा वाली प्रोफाइल तो रहती है एज अ बैकअप, तो निंजा वाला आपके लिए होता है। सेकंड, जो दूसरे ब्रांचेस से होते हैं और मेनली जिनका इन सब में मतलब ML और AI, तो वहाँ उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो भी डिजिटल के लिए जा सकते हैं अगर उन्होंने कोडिंग राउंड वो किया है, और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ अगर हम बात करें डिजिटल और निंजा के इंटरव्यू सेशन कितने होते हैं, तो डिजिटल मेनली आपका 35 to 50 मिनट्स का होता है, आपका पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटा भी लग जाता है, और जैसा भी उनको मतलब होते हैं, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कोडिंग और आपके लैंग्वेजेस पे होती हैं। फिर अगर हम बात करें निंजा की, तो निंजा आपका 20 से 30 मिनट्स का होता है, जो आपका निंजा राउंड के लिए अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है।
तो ये दो उनके मतलब टाइम ड्यूरेशंस होते हैं जिसमें वो लोग अपने इंटरव्यू लेते हैं। देन अब हम बात करते हैं मेरे इंटरव्यू की जो मैंने दिया था, तो उसमें जो मुझे क्वेश्चंस पुटअप्स किए गए थे, तो अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मुझसे टेक्निकल में जो क्वेश्चंस पूछे थे, मेनली क्वेश्चंस जो थे वो मेरे प्रोजेक्ट्स पे थे, मेरे रिसर्च पेपर्स पे थे। सबसे पहले मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले तो वो एक ही क्वेश्चन होता है जो हर किसी से पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस क्वेश्चन को तो आपको प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपका पूरा एक इंट्रोडक्शन 1 से 2 मिनट का होना ही चाहिए। फिर उसके बाद फिर वो आपके प्रोजेक्ट्स देखते हैं एंड जो भी आपके वर्क्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्क होते हैं, तो टेक्निकल राउंड में पूरे वो आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे तो उन्होंने मेरी रिसर्च के बारे में पूछा था कि आपने रिसर्च पेपर कितने पब्लिश किए, टॉपिक क्या है, और आपने ये रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए कितने पेपर्स को और पढ़े, और आपका क्या इसमें पहले से इंटरेस्ट था या फिर आपने ऐसे जस्ट ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए आपने कर लिया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। एंड देन उनके रिसर्च पेपर्स में जितना उनको लगा कि पूछना चाहिए, जैसे कि एप्लीकेबल कहाँ पे है, क्या इसमें आप लॉजिक यूज कर रहे हैं, एंड क्या सॉल्यूशंस क्या है, एक सॉल्यूशंस है या मल्टीपल सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और जो आपने पेपर रीड किए क्या वो सारे एक ही उसके थे, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। देन फिर वो लैंग्वेज पे आते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो सी, जावा, पाइथन, जो सी प्लस प्लस, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि एस मुझे बेसिक जावा आती है। कुछ क्वेश्चन पुट अप जावा पे के थे, जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सी प्लस प्लस, सी और जावा में डिफरेंस क्या है, तो एक ही क्वेश्चन था। एंड देन मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ये था कि स्ट्रिंग को इनपुट में स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये दो क्वेश्चन मेनली उनके लैंग्वेज से थे, और एक और क्वेश्चन उनका फंक्शन से रिलेटेड था। तो टेक्निकल राउंड में अगर आप देखो, तो अगर आप सी एस और आई टी ब्रांच से नहीं हो, तो आपसे लैंग्वेज के बारे में उन्होंने मिनिमम क्वेश्चन पूछे, मेनली उन्होंने आपके प्रोजेक्ट्स आपके उससे पूछे कि आपने कैसे उन्होंने किया। देन आता है एम आर राउंड, जिसमें उन्होंने पूछा कि आप ई एन डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में, उसमें आप इतना अच्छा कर रहे हैं, एज मेरे इंटरव्यू की बात करें तो कि आपने रिसर्च पेपर किया है, आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं इतने अच्छे, तो आप आईटी में क्यों आना चाहते हैं, आप आईटी में क्या स्कोप देख रहे हैं अपना, है ना, आप अगर ईएन में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे ऐसा लग रहा है दिखने में, और आपने ईएन में काफ़ी मेहनत भी की है। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका एज यूजल जवाब जो आप सभी को पता ही है क्या हो सकता है, कि अपने अपने आपके आंसर्स आपके हिसाब से हो सकते हैं, कि आप आगे सॉफ्टवेयर में देखते हो, एज आजकल सारी कंपनी सॉफ्टवेयर में काम करती हैं और उसमें काफ़ी स्कोप है, और आपका एक्सपीरियंस है या आपको एक्सप्लोर करना आता है, तो आपने और लैंग्वेजेस पे भी ध्यान दिया है। फिर उनका जो एक क्वेश्चन आता है कि एज मैंने अपने ब्लॉग लिखे हुए थे, तो मैंने अपने सीवी में मेंशन कर रखा था, तो उन्होंने मेरा ब्लॉग पेज पूरा खोल लिया और वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसमें से कौन कौन से आर्टिकल आपने लिखे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि ये आर्टिकल मैंने लिखा, देयर इज समथिंग अबाउट सुसाइड अटेम्प्ट्स, जो मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन कर रखा था अपने उस ब्लॉग के बारे में। तो उन्होंने उस क्वेश्चन वहाँ से एक क्वेश्चन देखा कि अच्छा ये आर्टिकल तुमने लिखा है, सो व्हाट यू सजेस्ट अस अबाउट वर्किंग एज अ इन अ टीम, कि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो, तो अगर आपको अपने टीम जो मेंबर्स हैं तो उनको अगर इस ऐसे डिप्रेशंस में जाने से बचाने के लिए आप क्या सजेशंस दे सकते हो, मतलब क्या क्या आपके पास आइडियाज़ हैं कि ऐसा हो, जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो काफ़ी लोग काम के वजह से डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे आइडियाज़ बताओ जो जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन ना हो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फेलो मेट्स के साथ। तो उस पर मेरा आंसर था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जो रिसर्च पेपर वर्क किया था, तो आप अकेले कर रहे थे या फिर आपके साथ कोई टीम मेंबर्स था, एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या रोल था। तो बेसिकली वो आपसे पूछेंगे कि आपके प्रोजेक्ट्स में और आपके जितने भी टेक्निकल वर्क हैं उसमें आपका क्या रोल है और आपने क्या क्या किया है, और वो क्लियरिटी उनको आनी चाहिए, जब तक वो नहीं आएगी तब तक वो उस क्वेश्चन पे
रहेंगे कि हाँ ये चीज ऐसी थी कि ये आपका ये रोल था। तो कोई ब्लफ करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कुछ ये भी नहीं कि आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो रियलिटी है वो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैंने ये किया और मैंने ये नहीं किया। फिर उनका एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी रिसेंट हर जगह वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उनका एक क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू यू एज अ एम्प्लॉय व्हेन यू विल बी मोर प्रोडक्टिव इन वर्क फ्रॉम होम और इन ऑफिस वर्क। मतलब कि आप घर से काम जो कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, उसमें आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी या वर्क फ्रॉम होम की? तो मेरा आंसर तो ये तो ऑब्वियस है कि ऑफिस में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। वर्क फ्रॉम होम में तो फिर आपका ईट स्लीप एंड वर्क हो जाएगा। बट आप यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर भी दे सकते हो, आप कह सकते हो दोनों में है, कोई वो नहीं है। बट मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि ऑफिस में, क्योंकि एज माइंड फ्रेश रहता है और आपका जो एटमोसफियर है वो चेंज रहता है, तो आप एक ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। और अगर घर पे रहेंगे तो सेम इन्वायरमेंट सेम वो, तो उसमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, कुछ दिन बाद आदमी वो हो जाता है। देन बेसिकली ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेम क्वेश्चन पे उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऑफिस वर्क, तो अभी रिसेंटली आप ज्वाइन करेंगे तो हम वर्क फ्रॉम होम ही देंगे कुछ टाइम, जैसे अभी कोरोना केसेस चल रहे हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे, आप कैसे प्रोडक्टिविटी रखेंगे? सो यहाँ पे अब आप कनेक्ट कर सकते हो कि पिछले क्वेश्चन से उन्होंने किसे इस क्वेश्चन को बनाया। तो मेनली कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता है, इंटरव्यू वैसा ही चलता है जैसा आप चला रहे हो। मतलब आपने जो क्वेश्चंस बोले सेम क्वेश्चंस वो उनको मॉडिफाई करते जाएंगे, जो आपके जो आपने आंसर्स बोले उस आंसर से वो क्वेश्चंस मॉडिफाई करते जाते हैं, स्पेशली एचआर एंड एमआर राउंड में, और टेक्निकल राउंड्स में भी थोड़ा बहुत होता है कि हाँ जो आपके आंसर्स होंगे उन्हीं से वो क्वेश्चंस उठा लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड था। तो इसके बाद फिर मैंने उनको इसका आंसर दिया कि एज अ फ्रेशर मैं हर एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि मैं अभी लर्निंग पीरियड में हूँ और मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी लास्ट 6 मंथ से मैं अपने कॉलेजेस ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये आंसर्स हो सकते हैं। देन उनका एचआर राउंड होता है। सो जितने भी नॉन आईटी के बंदे होते हैं, जितने भी अदर ब्रांच के लोग होते हैं, उनसे अक्सर ये क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अ आईटी सेक्टर। एंड देन तो उससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन होता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अ टीसीएस। सो इसमें मेनली आप टीसीएस के बारे में गूगल कर सकते हो, और किसी भी कंपनी के बारे में अगर इंटरव्यू में वो ये क्वेश्चन तो पूछेंगे एचआर राउंड में, तो आप बता सकते हो उनके बारे में या ये चीज़ें थी। मेनली मैंने वहाँ के बारे में बात किया, मैंने एम्प्लॉयज़ की डाइवर्सिटी के बारे में बात किया, मैंने वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया कि वुमेन एम्प्लॉयज़ के बारे में बात किया कि 34% वुमेन एम्प्लॉयज़ होती हैं। देन उन्होंने मुझसे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एज यू सी अ प्लस पॉइंट है, सो वट आर योर सजेशंस टू इंक्रीज दैट परसेंटेज इन आवर कंपनी। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपके क्या सजेशंस हैं। सो इसका आंसर मैंने थोड़ा सा शिफ्टेड वे में दिया कि अभी तो राइट नाउ आई डोंट हैव मच सजेशंस, बट आई वांट टू से दैट माय व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स दे ऑलवेज यूज टू से दैट दे विल नॉट गोइंग टू ज्वाइन अ कंपनी इफ कंपनी लोकेट देम समवेयर फार फ्रॉम देयर होम्स, सो देयर फैमिली विल नॉट अलाउ टू गो देयर। सो आई थिंक कंपनी शुड प्रोवाइड समथिंग और प्रोवाइड सम सेफ्टी पर्पस और सम एटलीस्ट एश्योरेंस टू द फैमिलीज एंड द वुमेन स्पेशलीज दैट दे विल बी सेफ वेदर दे आर वर्किंग नियर टू देयर हाउस और दे विल लोकेट समवेयर आउटसाइड द स्टेट। सो इस तरह के आंसर आप दे सकते हो कि आंसर दे सकते हो, जैसे मैंने भी बोला कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट वो करते हो तो जैसे रिलोकेशन से वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, जो भी आप क्वेश्चन वहाँ पर बनाना चाहो बना सकते हो और दे सकते हो। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे इन दो क्वेश्चंस के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रिलोकेट करने के लिए तैयार हैं, तो मैंने सीधा बोला कि हाँ यस आई एम रेडी फॉर दिस, एंड जो भी आपका आंसर है आप दे सकते हैं। देन उसके बाद वो शिफ्ट की बात करते हैं कि आप किसी शिफ्ट में हो, तो यहाँ पे आप डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हो दैट आई एम मच कंफर्टेबल इन डे शिफ्ट, बट इफ यू कंपनी नीड्स मी देन आई विल वर्क इन एनी शिफ्ट। सो इट जस्ट दैट यू डोंट हैव टू से नो डायरेक्टली, डायरेक्टली नो किसी भी क्वेश्चन का नहीं देना है। आपको जो है थोड़ा क्वेश्चन को आंसर्स को शिफ्ट करना है, स्पेशली इन एच आर एंड एम आर राउंड।
देन उन्होंने इस क्वेश्चंस के बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप आजकल खाली टाइम में क्या कर रहे हैं, सो व्हाट यू प्रेफर डूइंग दिस डेज. सो आई टोल्ड देम दैट आई यूज टू मेक अ वीडियो फॉर माई चैनल. सो अगले नेक्स्ट टू थ्री क्वेश्चंस आर ऑन दिस. तो हमारे चैनल के बारे में उन्होंने पूछा, कितने फॉलोअर्स हैं, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, फॉलोअर्स हैं, एंड किस टॉपिक पे चैनल्स हैं, किस तरह के वीडियो आप कैसा पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो. सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो आप भी बोलोगे वो आगे के प्रेफर करने लगेंगे. देन उनका जो लास्ट क्वेश्चंस था उन्होंने वही एनी क्वेश्चंस, तो वहाँ पे ऑलवेज आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम देम दैट वेदर इट्स ऑन विच टेक्नोलॉजी यू वर्क देयर इन कंपनी, और कुछ और भी क्वेश्चंस अपने हिसाब से बोल रहे कि एज इफ आई सेलेक्टेड देन ऑन वट टॉक ऑन विच टेक्नोलॉजी आई एम गोइंग टू वर्क. सो इस तरह के क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, वहाँ आपके प्लस पॉइंट सीखते हैं. तो बेसिकली मेरा ये इंटरव्यू 35 मिनट टू 40 मिनट्स तक चला, एंड इतने देर मेरा ये पूरा इंटरव्यू चला था, एंड उसमें सारे क्वेश्चंस मेरे HR, MR और टेक्निकल राउंड्स में पूछे गए. एंड देन इसके बाद जो वो तुरंत रिजल्ट नहीं देते, आफ्टर अ वीक और 2 वीक आपको रिजल्ट मिल जाता है. तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, और जितने भी मैंने आपको टेक्निकल में, HR में और MR में क्वेश्चंस बताए, तो कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं थे, ज़्यादा पैनिक वाले नहीं थे. तो आप काम रह के, पेशेंस के साथ अगर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कॉन्फिडेंस लूज किए बिना दें, तो सारे आंसर्स हो जाएंगे, सारे इंटरव्यू में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. सो मेक श्योर दैट डोंट लूज योर होप, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस. आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्राफ इन इंटरव्यू, वेदर इट्स अपसाइड और इट्स डाउन साइड. सो इंटरव्यूअर विल नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट वेयर यू हैव टू टेक योर इंटरव्यू, डाउन टू अप और अप टू डाउन. सो आंसर विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो जितने भी आंसर करोगे अच्छे से दो, और अपने आप को कोशिश करना कि जो आपकी होप है, जो कॉन्फिडेंस है, उसे लूज ना करो. कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे, एक दो क्वेश्चंस के आंसर गलत भी होते तो कोई दिक्कत नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू किल यू. सो ध्यान से अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखे, मोस्टली सिलेक्शन हो जाएगा. इफ अगर आपने रिटर्न अच्छे से निकाल दिया, इट मीन्स यू आर गोइंग टू सेलेक्ट. जस्ट मेक श्योर दैट इंटरव्यू इज जस्ट अ चेकिंग प्रोसेस, यू कैन से दैट. सो इफ अगर आपका किसी भी चीज़ का इंटरव्यू है, TCS का है या फिर विप्रो, एसेंचर, किसी भी का भी हो, सो कमेंट जरूर करना और जरूर बताना दैट आज की ये वीडियो कैसे लगी. आई होप आपको यूजफुल लगी हो, ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस जो था. एंड श्योर प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और अपने फ्रेंड्स, सिबलिंग्स जितने भी हैं सबको शेयर करना, क्योंकि अल्लाह भी ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. सो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ वीडियो सही बनी है कि नहीं बनी है. एंड प्लीज़ डू लाइक अस, डू फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड फेसबुक टू, वहाँ पे भी मेरा पेज है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे वहाँ पे भी आके पूछ सकते हो, फेसबुक पेज पे या ग्रुप्स पे या इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो. वीरेन रेड्डी करके, वीरेन रेड्डी करके हर एक जगह आपको पेज मिल जाएगा, टेलीग्राम, वेदर इट्स टेलीग्राम, वेदर इट्स ट्विटर, एनी वे हो, यस मेक श्योर दैट. सो आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वर्किंग.